स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है सीएमए के लिए अकाउंटिंग। तो चलिए आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल से भी कंसाइनमेंट अकाउंट्स बताने स्टार्ट किया है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंसाइनमेंट अकाउंट का अकाउंटिंग करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे और एंट्री करने। ठीक है, चलो एंट्री कैसे करते हैं। सो उसके पहले मैंने आपको बेसिक से कंसाइनमेंट का सारे चीज़ मैंने डिटेल से आपको बताया है। ठीक है, कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट में कितने पार्टीज होते हैं, सारे चीज़ मैंने बताया। वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं एक बार फिर से बता दूं, कंसाइनमेंट में टू पार्टीज होता है, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। जो कंसाइनर होता है जो गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी के पास वो सेल करने के लिए। ठीक है, और जो कि कंसाइनर जो होता है वो ओनर होता है और कंसाइनी जो होता है वो एक एजेंट होता है। समझ में आई? तो चलिए आज इसके आगे का टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। ओके, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज डन इन द बुक्स ऑफ बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो कंसाइनमेंट है ना, अकाउंटिंग हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट का, वो किसका बुक्स में, कंसाइनर और कंसाइनी के बुक में, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बस जल्दी से आप हमारे सेशन में आ जाएं और सेशन को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट आ जाएं। स्टार्टिंग से पढ़ने में जो मज़ा है बीच में नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, बुक्स ऑफ कंसाइनर, सबसे पहले कंसाइनर के बुक्स में क्या क्या बनेगा और है ना, तो वो चीज़ जानेंगे। फिर कंसाइनी के बुक में क्या बनेगा, बुक्स में वो जानेंगे। ठीक है, क्या देखिए, बुक्स ऑफ कंसाइनर, द अकाउंट्स मेंटेन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आर, कंसाइनर के अकाउंट्स मेंटेन जो होता है कंसाइनर के पास, कंसाइनर के बुक में वो क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो चीज़ आप यहाँ पे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है, तो कंसाइनर के बुक में। ओके, तो कंसाइनर का बुक में सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट्स बनता है। इट इज द प्रॉफिट डिटरमाइनिंग अकाउंट्स ऑफ द कंसाइनमेंट बिजनेस। इन दिस अकाउंट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर मेस्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू फ्रॉम सच बिजनेसेस। दिस प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनमेंट डिटरमाइंड इन दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट टू पीएल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, और प्रॉफिट यहाँ से होता है या तो लॉस होता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट या तो लॉस ही होगा ना, बस दो ही चीज़ होने की संभावना है, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो लॉस। लेकिन मान के यही चलते हैं हम लोग कि प्रॉफिट होगा। ओके, लेकिन लॉस भी हो जाए कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस होगा, ये सारे मेश किया जाता है किससे, रेवेन्यू फ्रॉम सच बिजनेस, है ना, रेवेन्यू से। ठीक है, तो दिस प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट डिटरमाइंड इन दिस अकाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस अकाउंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रिपेयर किया जाता है, जो कि इट रिकॉर्ड्स द गुड्स दैट आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम कंसाइनी इफ एनी। ओके, यहाँ पे देखिए, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो गुड्स सेंड करता है कंसाइनमेंट में कंसाइनर, कंसाइनी के पास, ठीक है, वो होता है। और थर्ड है आपका कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनर एक अपने बुक्स में फर्स्ट में कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करता है, सेकंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। ओके, कंसाइनी अकाउंट ये क्या होता है, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन That records the transaction are entered into by the consignee for the consignment. Okay, this account shows the money due to be received from the consignee at the end of a period. ये account में जो होता है consignee का account है ना, तो consignee कितना paid किया, कितना consignee से लेना है, क्योंकि consignee जब consignor जो होता है वो good send करता है consignee के पास, तो उससे advance में कुछ ले लेता है। ओके, और बाकी बात वो जब सेल करेगा कंसाइनी, तो सेल करने के बाद उसे पैसा दे देगा, समझे। तो ये होता है आपका
कंसानी अकाउंट के कंसानी अकाउंट जो है सो कंसानर अकाउंट ओपन करता है, कंसानर ओपन करता क्या बुक्स में ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट क्या होता है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स दैट में लाई विद कंसाइनी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यदि कंसाइनी के पास कुछ स्टॉक बच गया हो अकाउंटिंग पीरियड में तो वो क्या करेगा कि उस स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो उसको कंसाइनमेंट स्टॉक भी कहते हैं, जो कंसाइनी के पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है अनसोल्ड है, वो बिका हुआ नहीं है, उसे कंसाइनमेंट स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आगे देखिए कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ये क्या होता है, दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द कंसाइनर। ये अकाउंट कौन मेंटेन करता है, तो कंसाइनर। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन क्रेडिट एंड डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड टू द कंसाइनी, है ना। यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड कंसाइनी ऑन क्रेडिट बेसिस, यदि कंसाइनी क्रेडिट बेसिस गुड सोल्ड करता है, डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड टू द कंसाइनी, तो यहाँ पे कमीशन कंसाइनी को नहीं पेड किया हुआ रहता है, तो इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन लाइक क्रेडिट सेल्स। तो ये ट्रांजैक्शन क्या होता है कि क्रेडिट सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनी, है ना। ये कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कौन करता है, तो कंसाइनी करता है। कलेक्शन फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर, बैड डेट्स, डिस्काउंट, अलाउच एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बुक्स ऑफ कंसाइनी, यहाँ पर बताया आपको कंसाइनर के बुक्स में क्या क्या अकाउंट्स पीरियड प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के अकाउंट्स में क्या क्या, कंसाइनी के बुक्स में किस किस अकाउंट्स का ओपन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका कंसाइनर अकाउंट, जब कंसाइनी है तो अपना बुक्स में किसका अकाउंट्स खोलेगा, तो वो कंसाइनर का अकाउंट्स खोलेगा, ओके। दिस अकाउंट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन दैट आर एंटर्ड इन टू बाय द कंसाइनी इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स रेफर्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कंसाइनी टू द कंसाइनर एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कमीशन अकाउंट, सेपरेट कमीशन अकाउंट, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, स्पेशल कमीशन। ये सारे कमीशन के बारे में मैंने आपको कल का सेशन में बताया, वो वीडियो जरूर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। अब बार बार मैं इसी चीज़ को बताऊँगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसको आपको वो वीडियो में देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट्स, ये प्रिपेयर करता है कंसाइनी, जो कि दिस अकाउंट इज मेंटेन बाय द कंसाइनी व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड बाय द कंसाइनर। यदि डेल क्रेडिटर कमीशन पेड कर लेता है कंसाइनर, किसको, कंसाइनी को, दिस अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स ऑफ कंसाइनमेंट। ये अकाउंट जो है क्रेडिट सेल्स ऑफ कंसाइनमेंट के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। कलेक्शन फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ओके। अब देखिए कंसाइनमेंट इनवार्ड अकाउंट्स, ये क्या होता है, जनरली नो अकाउंटिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी फॉर द गुड्स रिसीव फ्रॉम कंसाइनर, ओके। कंसाइनमेंट इनवार्ड अकाउंट्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोई भी अकाउंट नहीं, क्या बोला, नो अकाउंटिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी फॉर द गुड्स रिसीव फ्रॉम कंसाइनर, हाउएवर समटाइम्स कंसाइनी में ओपन अ स्पेशल अकाउंट्स कॉल्ड द कंसाइनमेंट इनवार्ड अकाउंट। यदि कंसाइनी जो होता है वो कोई अकाउंट्स नहीं ओपन किया है जो गुड्स रिसीव किया है, है ना, तो जब गुड्स रिसीव जो किया वो कोई अकाउंट ही ओपन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समटाइम्स द कंसाइनी मे ओपन अ स्पेशल अकाउंट्स। उस समय कुछ समय ऐसा होता है जो कि कंसाइनी कुछ स्पेशल अकाउंट ओपन करता है, जिसको कहते हैं कंसाइनमेंट इनवार्ड अकाउंट टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना। ये कंसाइनमेंट इनवार्ड अकाउंट्स क्यों ओपन किया जाता है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स का मूवमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जर्नल एंट्री जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या, जर्नल एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो उसका एंट्री क्या होगा, तो एट कॉस्ट में पहले, उसके बाद एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो एट कॉस्ट में देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक, सॉरी पहले क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। क्यों, देखिए
जब हम लोग कंसाइजमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो कंसाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि टू साइड में लिखते हैं टू कंसाइजमेंट स्टॉक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंसाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइजमेंट स्टॉक अकाउंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो किसका बुक्स में, तो ये कंसाइनर के बुक में होगा, और कंसाइनी के बुक में नो एंट्री, कंसाइनी के बुक में ये एंट्री होगा ही नहीं। ठीक है, ओनली कंसाइनर के बुक में होगा। यहाँ पे मैंने हर एक एंट्री का दोनों कंसाइनी और कंसाइनर दोनों के पास मैं दिखाऊंगा करके। तो ये देखिए, फर्स्ट एंट्री जो होगा वो क्या होगा, कंसाइनर के पास होगा, कंसाइनी का नहीं होगा। सेकंड, एआई क्या है, एट आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस में, तो क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लोड टू कैंसल, ये भी यही है जो कि कॉस्ट प्राइस पर ना लेकर के सेलिंग प्राइस पर ले रहा है। ठीक है, तो इसमें नो एंट्री होगा आपका कंसाइनी में, कंसाइनर में इसका एंट्री होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लोड टू बी कैंसल्ड है ना, देखिए कैंसलेशन ऑफ लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक व्हेन गुड्स आर सेंट एट आईपी इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कंसाइनर के बुक्स में होगा, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यदि है एट कॉस्ट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, और यदि आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस में है, तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दोनों में एंट्री एक ही होगा, अलग कुछ भी नहीं है। ओके, और यहाँ पे कंसाइनी में नो एंट्री, एंट्री नहीं होगा कंसाइनी में, एंट्री नहीं होगा क्योंकि कंसाइनी का अकाउंट्स में ये ओपन नहीं किया जाता है, कंसाइनी के बुक्स में ये अकाउंट्स ओपन नहीं किया जाता है। ओके, इसलिए कंसाइनी में नो एंट्री। नेक्स्ट देखिए, कैंसलेशन ऑफ लोड ऑन गुड्स सेंट व्हेन गुड्स आर सेंट आईपी, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनर में होगा, कंसाइनर के बुक्स में होगा, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनर है ना, क्या है, फ्रॉम कंसाइनी बाय कंसाइनर, जो कंसाइनर होता है ना वो एडवांस रिसीव कर लेता है कंसाइनी से, तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यदि वो नगद ले लेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यदि वो बिल्स ले लिया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो ये होगा कंसाइनर के बुक्स में। ठीक है, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में क्या होगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कंसाइनर के कंसाइनी का अकाउंट्स में बुक में ये मेंटेन किया जाएगा, कंसाइनर के बुक्स में ये मेंटेन। ठीक है, दोनों यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बाय कंसाइनर, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनर के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैंने आपको बताया था, जहाँ भी डिस्काउंट की बात आ जाए तो बैंक के सामने, बैंक के ही साइड में डिस्काउंट आपको लिखना है, या तो कैश का साइड में डिस्काउंट आपको लिखना है, अलग कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप कैश पेड करते हो, आप डिस्काउंट कब छोड़ते हैं, जब आपको कैश रिसीव होता है। ठीक है, तो जब कैश पेड करेंगे तो कैश के साथ ही डिस्काउंट आपको मिलता है, इसलिए बैंक यहाँ पर है तो बैंक के साथ ही डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इसके बुक्स में मेंटेन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंसाइनी के बुक में नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये एक्सपेंसेस है, कंसाइनर इनकर्ड कर रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट। ओके, जब कंसाइनर जो है वो एक्सपेंसेस दे रहा है किसका, गुड्स को सेंड करने में, जो कि कंसाइनी के पास गुड्स जाएगा उसके लिए यदि कुछ एक्सपेंसेस पेड करेगा तो कंसाइनर, तो उसका एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट, किसका बुक्स में, तो कंसाइनर के बुक्स में, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री, कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री होगा यहाँ पर इसका। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो है, गुड्स इन ट्रांजिट। ओके, तो एट कॉस्ट यानी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये एंट्री होगा कंसाइनर के बुक्स में, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, एट आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस में क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट
लेकिन कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। तो यानी कॉस्ट प्राइस हो या तो इनवॉइस प्राइस हो, एंट्री एक ही हो रहा है, एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कैंसलेशन ऑफ लोड ऑन गुड्स इन ट्रांजिट व्हेन गुड्स आर सेंट एट आईपी, मतलब इनवॉइस प्राइस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट, ओके, जो कि यहाँ पर होगा नो एंट्री। और यहाँ पे देखिए कि एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, तो यदि एक्सपेंसेस पेड कर रहा है कंसाइनी तो उसका एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लोग टू कंसाइनी लिखते हैं, ठीक है। और कंसाइनर के यहाँ तो ये लिखाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में क्या लिखाएगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री दोनों में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी, यदि गुड्स सेल कर रहा है कंसाइनी तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए फॉर कैश, यदि कैश में बेचेगा तो यहाँ पे होगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, क्लियर है। अब फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन प्रोवाइडेड भी है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट होगा, ठीक है। अडल क्रेडिटर कमीशन नॉट प्रोवाइड किया है तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे कंसाइनी के यहाँ क्या होगा, नो एंट्री, एंट्री कोई भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कमीशन पेबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कमीशन पे कर रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, लेकिन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल क्रेडिटर कमीशन प्रोवाइडेड किया हुआ है तो नो एंट्री, कंसाइनर के यहाँ कोई एंट्री नहीं किया जाएगा, लेकिन कंसाइनी के बुक्स में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। और देखिए यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन नोट प्रोवाइडेड, तो होगा यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ डायरेक्टली कलेक्टेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ओके। तो और यहाँ पर कंसाइनी में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, क्लियर है। बेड डेट्स इन कनेक्शन टू कंसाइनमेंट बिजनेस, ओके, बेड डेट्स इन कनेक्शन इन टू कंसाइनमेंट बिजनेस, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल क्रेडिटर कमीशन प्रोवाइडेड, यदि वो प्रोवाइड किया है तो नो एंट्री, कंसाइनर के यहाँ कोई भी एंट्री नहीं है, और कंसाइनी के यहाँ बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ओके, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डेल क्रेडिटर कमीशन नोट प्रोवाइड, डेल क्रेडिटर कमीशन यदि प्रोवाइड नहीं किया है तो यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, और यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है नो एंट्री, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगा, और यहाँ पे जो एंट्री था आपका, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, यदि कंसाइनी गुड्स रिटर्न करता है तो उसका एंट्री क्या होगा, एट कॉस्ट पे, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी के यहाँ नो एंट्री, ठीक है। और एट आईपी में क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे नो एंट्री होगा कंसाइनी का बुक्स में, कंसाइनी का बुक्स में। देखिए नेक्स्ट, अब नॉर्मल लॉसेस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इन कंसाइनीज प्लेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट कॉस्ट में अब नॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि कंसाइनी के यहाँ नो एंट्री, और यहाँ पर एट आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस, इसमें क्या होगा, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि कंसाइनर के यहाँ, कंसाइनी के यहाँ नो एंट्री, ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैंसलेशन ऑफ लोडिंग ऑफ अबनॉर्मल गुड्स, अबनॉर्मल गुड्स को कैंसिल करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस, और कंसाइनर के यहाँ नो एंट्री, ठीक है। अब देखिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्स एडमिटेड अगेंस्ट अबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे होगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। उसके बाद देखिए, अमाउंट एडमिटेड बट नॉट रियलाइज, ठीक है, इसका एंट्री होगा। उसके बाद देखिए, कंसाइनी अकाउंट डेबिट
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और कंसाइनी के पास क्या होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो इफ गुड्स वर सेंट एट कॉस्ट तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट इसका एंट्री होगा। इफ गुड्स वर सेंट एट आईपी तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। अब ये कंसाइनर के यहाँ पर क्या होगा, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे कैंसलेशन ऑफ लोडिंग ऑन गुड सेंट, इफ गुड सेंट आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया होगा तो इसको कैंसिल करना है, इसका एंट्री क्या होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और कंसाइनी के यहाँ नो एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका एंट्री होगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या तो ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें नो एंट्री, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनी के यहाँ क्या होगा, नो एंट्री। नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, और इन केस ऑफ लॉस तो यहाँ पर पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी के यहाँ नो एंट्री, ओके। कंसाइनी के यहाँ नो एंट्री होगा। तो देखिए इतना सारा एंट्री यहाँ पे सीखे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब है फाइनल, फाइनल रिमिटेंस रिसिप्ट बाय कंसाइनर फ्रॉम कंसाइनी, है ना। फाइनल जो रिसिप्ट रहता है वो कंसाइनर रिसीव करता है कंसाइनी से, ठीक है। फाइनल अमाउंट कितना वो पेड नहीं किया है तो उसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ओके। ये होगा कंसाइनर का बुक्स में, और कंसाइनी का बुक्स में क्या होगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्लियर है। आई होप ये क्लियर है, आई होप समझ में आप लोगों को आया हो। तो ये देखिए एंट्री मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनी क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको ये एंट्री करवाया है उसी एंट्री से आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से एंट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग तब तक एंट्री देखेंगे। देखिए ये रहा एंट्री आपका स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से मैंने आपको जो एंट्री बताया अभी यहाँ से बताया, ठीक है, यहाँ से बताया है, यहाँ से देखिए सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रहा एंट्री, और देखेंगे आगे, देखिए टोटल एंट्री यहाँ पे खत्म होता है, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन आप देखेंगे, एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अग्रवाल ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू, क्या दिया हुआ है, बियानी ऑफ भागलपुर ऑन March 1, 2021। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला, आगरा है ना, अग्रवाल जो है आगरा का है, ठीक है, वो अग्रवाल कंपनी जो है वो कंसाइनमेंट गुड्स का कंसाइनमेंट किया है 1 लाख का, किसको, बियानी ऑफ भागलपुर के पास। तो ये अग्रवाल जो है वो कंसाइनर हो गया, और बियानी जो है भागलपुर का वो कंसाइनी हो गया, है ना। ही इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर 12,000, मतलब ये कौन दिया, तो कंसाइनर दिया है। फ्री टेन इंश्योरेंस
दिया है 12,000 का। बियानी वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन entitled to a commission of 5% on gross sales plus Dell Crader commission of 3%. Biyani took delivery of the consignment by incurring expenses of 3,000 for goods consigned. On December 31st, 2021, Biyani informed करता है फोन में ही, ठीक है? क्या बता रहा है वो? That he had sold all the goods for 150,000. वो फोन करके बताता है बियानी अग्रवाल को 31 दिसंबर 2021 को कि आपका जो सामान था ना मैंने बेचा, उसमें मतलब जो आप कंसाइनमेंट किए थे गुड्स का, वो मैंने 150,000 में बेचा है। बाय इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपया मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस लगा। और ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 148 हैज बीन रियलाइज्ड एंड रेस्ट वाज कंसीडर्ड ही रिकवरेबल एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अकाउंट सेल। द कंसाइनर क्लोजेस इन द हिज बुक्स ऑन 31st दिसंबर ईच एवरी ईयर। ऑन जनवरी 5, 2022 अग्रवाल रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बियानी इन एंड इनकट बैंक चार्जेस 260 रुपये फॉर कलेक्टिंग द चेक। द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन January 9, 2022। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बियानी। अब उसके बाद देखिए बियानी अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट भी आपको ओपन करना है और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेज अकाउंट and bank account in the books of the consignor recording the transaction up to the receipts and collection of the check। ठीक है, तो ये हुआ, ये रहा आपका फुल क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखिए एक बार, ओके, ये क्वेश्चन रहा, इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे अभी तुरंत आपको मिलने वाला है यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिए फुल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ अग्रवाल, इन द बुक्स ऑफ क्या है ये, तो ये है आपका कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में क्या क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले कंसाइनमेंट टू भागलपुर अकाउंट्स यहाँ पे ओपन करेंगे हम लोग, जो कि कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना गुड्स सेंड किया था, तो 100,000 क्वेश्चन में भी आप देखे थे ना। और यहाँ पे देखिए बाय बिरयानी, बिरयानी सेल कितना किया था, तो 150,000 रुपया। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टू बैंक है यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकट, एक्सपेंसेस कौन बोर्न कर रहा है यहाँ पे, तो कंसाइनर, ठीक है। फ्रीट एंड इंश्योरेंस के लिए 12,000 रुपये दिया है। नेक्स्ट है टू बिरयानी, बिरयानी भी एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, जो कि बिरयानी कौन है, कंसानी है, तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसानी, डिलीवरी चार्जेस 3,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, 5,000 रुपया। क्लियर है, तो देखिए एक्सपेंसेस भी मैंने लिख दिया, कंसाइनर का भी और कंसानी का भी। आगे लिखना है कंसानी को क्या मिलेगा, तो कमीशन टू बियानी, तो यहाँ पर टू बियानी क्या है, कंसानी है, तो कमीशन ऑर्डनरी कमीशन मिलेगा और डेल क्रेडिटर कमीशन, तो 150,000 का 5%, क्योंकि 5% इसको कमीशन मिलेगा, और 150,000 का 3%, तो 150,000 है ना, ये 150,000 का आपको निकालना होगा, यदि 10% तो 10 कैंसिल, यानी कि 15,000, तो 5% के लिए क्या होगा, इससे आधा कर दीजिए तो आ जाएगा 7,500, ठीक है, तो ये 7,500 निकल गया।
उसी तरह 1,50,000 का निकालना आपको पहले 1%, तो 1% कितना होगा, 1,500 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 0 कैंसिल करेंगे तो 1,500 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 4,500, अब 7,500 और 4,500 जोड़ देंगे तो 12,000 रुपये आएगा आपका, ठीक है, तो ये 12,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट है ना, ये क्या होगा तो 260 रुपये। ठीक है, ये 260 रुपये एक्सपेंसेस है, जो कि कौन मतलब ये क्या है, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस कंसाइन वो दिया हुआ है, दिखा दे एक बार, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, बैंक चार्जेज है 260 रुपये। ठीक है, 260 रुपये यहाँ पे देखिए, मैंने आपको सब बताया ना, ये कहाँ से मैंने लिखा वो बता दिया आपको, 1,50,000 रुपये, 1,00,000 तो यहाँ पर टू गुड्स ऑन टर्न कंसाइनमेंट, और 1,50,000 रुपये यहाँ पर था आपका जो ये सामान बेचा था, इसलिए मैं 22,92 लिखा हूँ। ठीक है, और एक्सपेंसेस पेड किया था कंसाइनर 12,000 रुपया, तो वो भी मैंने लिखा, क्लियर है। उसके बाद कंसाइनी ने पेड किया था 3,000 रुपया, और 2,000 रुपया यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपया, वो भी मैंने लिखा, और कमीशन इसको कितना मिलेगा 3% और 5%, तो 3% 1,50,000 का निकालेंगे जो कि डील क्रेडिट कमीशन है, और 5% 1,50,000 का निकालेंगे जो कि ये कमीशन है आपका ग्रॉस सेल्स पे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको। देखिए आगे क्या बोला, फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 1,48,000 हैड बीन रियलाइज एंड रेस्ट वाज कंसिडर्ड इन आई रिकवर एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैंने करवाया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 260 रुपये मैंने अभी बताया आपको एक्सपेंसेस जो है, सो अब टोटल यहाँ पर लिख करेंगे आप। ठीक है, टोटल आप करेंगे क्रेडिट साइड में तो 1,50,000 रुपया हो रहा है, आपको 1,50,000 यहाँ भी लिखना है, और 1,50,000 में से यहाँ तक जोड़ने के बाद है ना, ऊपर से जो था आपका 1,50,000, 1,00,000, उसके बाद 5,000, फिर 12,000, फिर 260, सबको जोड़ने ऐड करना है आपको। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे 1,50,000 से लेस करेंगे तो आएगा टू प्रॉफिट अकाउंट, जो कि 20,740। ओके, तो ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया 20,740। अब हम लोग ओपन करेंगे कंसाइनर के बुक्स में क्या, तो कंसाइनी का है ना, कंसाइनर के बुक में क्या ओपन करेंगे तो कंसाइनी का। तो यहाँ पे देखिए आपका डेट यहाँ पर दिया हुआ है 31/12/2021, ये देखिए डेट भी आपको लिखना है। टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू भागलपुर, तो सेल्स किया था कितना, 1,50,000 रुपया, ये आपको लिखना है। बाय कंसाइनी यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट टू भागलपुर अकाउंट, जो कि कंसाइनी यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड कर रहा है कितना, 5,000 रुपया, वो आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है बाय कंसाइनमेंट टू भागलपुर, जो कि कमीशन ड्यू है 12,000 रुपया, और बाय, ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये 1,50,000 रुपया आप यहाँ भी ऐड करेंगे, इसको टोटल 1,50,000 रुपया आपको यहाँ भी लिखना है 1,50,000, उसमें से 12 और 5 17,000 लेस करिए तो आएगा 1,43,000, जो कि बाय बैलेंस शीट ही आएगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस शीट ही आया, बैलेंसिंग फिगर 1,33,000 रुपया। अब ये देखिए 1,33,000 क्या होगा, इसको ये वाला अमाउंट आपको यहाँ लिखना है टू बैलेंस शीट 1,33,000, और यहाँ पर बाय चेक फॉर कलेक्शन फाइनल रिमिटेंस कितना 1,33,000, तो 1,33,000 यानी इसको चेक से मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग एक एंट्री बनाएंगे जो कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेज अकाउंट, इसके लिए क्या होता है, टू चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट 260 रुपये का, और बाय कंसाइनमेंट टू भागलपुर अकाउंट 260 रुपये का। यहीं पे इसको ख़त्म कर दीजिए, इससे कोई आगे लेना देना नहीं है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट, ठीक है, तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चेक फॉर कलेक्शन कितना 1,32,740, यहाँ पे भी आपको लिखना है, और यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी 1,32,740, क्लियर है, बस ये कंप्लीट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे करवाया आपको, और तो और यहाँ पे मैंने आपको ये एंट्री भी सिखाया है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बस इसी तरह से आप हमारे साथ हमेशा आएँ और यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत। Thank you.